तो यार जैसे कि आपको पता है क्लास 10th और 12th का जो है रिजल्ट आ चुका है, और जिस डेट पर हमने बोला था उसी एक्सपेक्टेड डेट पर जो है वो रिजल्ट आया है। और हम बात करेंगे इस बार इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि इस बार का जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो पिछले 3 साल में सबसे बुरा आया है। सिर्फ और सिर्फ 87% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं, और बाकी 1,23,000 समथिंग का जो फिगर है वो पता चल रहा है कि बच्चों को इस बार सप्लीमेंट्री या फिर बोलो तो कंपार्टमेंट एग्जाम देने होंगे। हम डिटेल में बात करेंगे क्या सारा प्रोसेस रहता है, कितनी फीस आपको देनी पड़ती है, आपका कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम्स होंगे, अगले सेशन के एग्जाम्स कब होंगे, और प्लस क्या मार्कशीट पे सारी चीजें आपकी मेंशन की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। सो हेलो एंड वेलकम सर दोस्तों साथ यूट्यूब चैनल पीकेबी प्रियम के ब्लॉग्स में, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्योंकि आपको मचाना है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये सप्लीमेंट्री या बोलो आपके जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स है वो कब होंगे। तो यार 15 जुलाई के आसपास जो ये एग्जाम्स होंगे, तो अभी पूरा जून आपके पास पड़ा है और 8-10 दिन अभी ये मई के पड़े, तो आराम से आप जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हो जितने भी सब्जेक्ट्स के अंदर आपके सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आए। जिन लोगों को डाउट है ये दोनों सेम चीज होती है, कुछ भी अलग नहीं होता। इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में अभी आगे बात करेंगे। प्लस 2023 और 24 का जो सेशन होगा, यानी अब जो बच्चे 10th या 12th में आ रहे हैं उनके एग्जाम्स कब होंगे, तो आपको बता दूं 15 फरवरी 2024 में होने वाले हैं। अब आपको भैया ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो अब आएंगे वो मेंटली प्रिपेयर हो सके, क्योंकि इस बार का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ये आपके लिए एक सबक है जो फ्यूचर में बच्चे आ रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड को अब इतना हल्के में मत लेना, थोड़ी मेहनत थोड़े ज्यादा एफर्ट जो है अब आपको करने पड़ेंगे। फीस की अगर हम बात करें कि भैया जो सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम्स है उसमें फीस हमको पे करनी होगी नहीं करनी होगी, मैं आपको बता दूं 300 रुपए की जो है वो फीस रहती है पर सब्जेक्ट। तो जितने आप सब्जेक्ट्स में करोगे उस हिसाब से आपको जो है फीस पे करनी पड़ेगी। प्रोसेस क्या रहती है, cbse.government.nic.in जो है वहां पे जो है नोटिफिकेशन आएगा, या फिर आपके स्कूल वाले भी जो है वो आपको अवेयर करेंगे इस चीज के रिगार्डिंग। अब जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि इन बच्चों को जो है सीबीएसई पास कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कई सारे स्कूल्स ने क्या करा है, अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स ही नहीं भेजे थे सीबीएसई बोर्ड को, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे जो है वो फेल हो गए। तो अब जो है वो स्कूल जो है वापस से सीबीएसई बोर्ड को वो अपने मार्क्स भेजने वाले हैं प्रैक्टिकल के, तो वो सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो एक बार आप ये चीज़ अपनी क्रॉस चेक कर लो अपने स्कूल से कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स गए थे नहीं गए थे, और आपको भी पता चल ही गया होगा कि ऐसा आपके साथ हुआ है जब आपने मार्क्स देखे होंगे। तो अगर हम आगे बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा, तो भाई सेम सिलेबस रहता है, कोई कम नहीं होता, कुछ बढ़ता नहीं है, सेम सिलेबस जो है कंपार्टमेंट या बोलो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का आपके आने वाले हैं। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो भाई सेम पैटर्न रहेगा जैसे आप पहले के आए हो, वही बिल्कुल सेम डिट्टो पैटर्न रहने वाला है। पेपर की डिफिकल्टी बात करूं तो उससे आसान ही होगा या उसके जैसा होगा, उससे डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उससे आसान ही होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, उसके लेवल का भी नहीं होगा, उससे हल्का फुल्का इजी होगा, क्योंकि उनको पता है जो बच्चे वीक हैं वही फेल हुए हैं, और या फिर जिनने थोड़ी बहुत कम पढ़ाई हो पाई थी तो उससे थोड़ा सा जो है आपको कम मिलेगा। तो थोड़ा सा बट आपको स्ट्रेस या फिर बोलूँ तो मेंटल प्रेशर नहीं लेना, बस खुद को प्रिपेयर करना है उस अकॉर्डिंगली, ताकि आप जो है इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सको। ज्यादा बोझ नहीं बनाना है दिल पे, और जो फैमिली या पेरेंट्स जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी ना बनाए, उनको फ्रीली फील करने दें, क्योंकि इतनी बड़ी कोई चीज नहीं हुई है, सिर्फ एक कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री आई है। जब कॉलेज में आओगेगा आपका बेटा या बच्चा, तो आप कॉलेज में जाके देखोगे तो इस चीज को एंजॉय करते हैं बच्चे, जब उनकी जो है बैकलॉग आती है किसी सेमेस्टर के अंदर, तो आगे जाके ये कल्चर पूरा बदल जाता है। अगर चेकिंग की बात करूँ कि चेकिंग कैसी होती है, तो भाई लीनियंटी होती है, मतलब इतनी हार्ड नहीं होगी। शायद इस बार लग सकता है आपको कि थोड़ी बहुत हार्ड चेकिंग हो गई है, बट अगेन मैं बोलूंगा कंपार्टमेंट में जैसे पेपर भी आएगा तो जो है चेकिंग बिजी होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ये पास कर दे। ये हमेशा सीबीएसई का एक मोटिव रहता है। इस बार पता नहीं क्यों इतना जो है रिजल्ट खराब आया है। एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी सारे बच्चे कंसर्न इसी चीज को लेके हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि हमको आगे जो है अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, हमको अपना आगे का करियर देखना है। तो अगस्त की मिड तक या फिर वो के आसपास जो है रिजल्ट आ जाएगा 110%, क्योंकि कंपार्टमेंट के रिजल्ट जो है सीबीएसई बहुत जल्दी रिलीज करता है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है और सीबीएसई इसका पूरा ध्यान रखता है। अगर हम आगे बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितने परसेंट बच्चे वगैरह हुए थे। अगर आप अगेन जो आपने ये कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री दिया, भगवान न करे ऐसा हो, बट अगेन अगर आप फेल हो जाते हो, तो अब जो आपको चांस दिया जाएगा वो अगले साल दिया जाएगा अगेन कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए। इस साल अब आप एलिजिबल नहीं रहोगे, वो अगले साल के जो बच्चे देंगे उनके साथ साथ आपको एग्जाम लिखने होंगे।
अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स की। काफी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स और कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री। कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एक बात है, इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है वो अलग है। इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का मतलब होता है कि मान लो मेरे कंप्यूटर साइंस में 100 में से 70 नंबर आए, मेरे को लगता है कि मेरे 70 नहीं आने चाहिए, मैं अगर दोबारा एग्जाम देता हूँ तो मैं 100 में से 90 या 95 ला सकता हूँ, तो मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा। उसकी भी ऑब्वियसली एक फीस रहती है, तो आप वो पे करके जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। ये चीज है। अब बताइए मार्कशीट पर लिखा आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत स्पेसिफिकली और क्लियरली मैं आपको बता दूं, जो सप्लीमेंट्री या फिर आप बोलो कंपार्टमेंट एग्जाम आप दे रहे हो, वो जो आप दोगे जितने भी सब्जेक्ट के, उसमें कहीं भी एक बिल्कुल नई मार्कशीट बन के आएगी, कहीं भी ये लिखा नहीं होगा कि आपने कंपार्टमेंट दिए या सप्लीमेंट्री दिए उसके बाद आप पास हुए हो। ये बात सिर्फ आपकी फैमिली या जितने लोगों को भी आपने शेयर की थी, अपने रिश्तेदार वगैरह को, सिर्फ उनको पता रहेगा, और 5 साल बाद कोई भी इस बात को आज के 20 दिन बाद भी कोई याद नहीं रखने वाला, ये बात आप मुझसे लिखवा लो, तो ये चीज सिर्फ आपको पता रहेगा। अब इंप्रूवमेंट अगर आप दे रहे हो तो क्या लिखा आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। इंप्रूवमेंट के जब आप एग्जाम देते हो और उसके आप आपके मार्क्स बढ़ते हो तो अलग से एक मार्कशीट आती है, उस पर इंप्रूवमेंट लिखा होता है कि आपने इंप्रूवमेंट देके जो है अपने मार्क्स इंक्रीज किए। बच्चे इंप्रूवमेंट क्यों देते हैं कि भाई मेरे को ड्यू चाहिए था, मेरी परसेंटेज थोड़ी सी कम रह गई, तो अगर हो सकता है मैं इंप्रूवमेंट दूं तो जो है मेरे मार्क्स बढ़ जाए, तो ये एक रीजन रहता है। प्लस मैंने आपको बताई दी है सारी डिटेल्स, अगर स्टिल आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।